असिस्ट हैच क्या है, इस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने बताया भी था आपको। राका चिक शायद हमने असिस्ट हैच किया था, वो भी ये चैनल पर मौजूद होगी। आगे दो चिक फिर हमने असिस्ट हैच किए थे इस सीजन, नहीं वो ये एक चिक था लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया था क्योंकि उसका टेम्परेचर ब्रेक हो गया था, फोस्टर कर दिया था वो। उसके बाद फिर हमने इनो का एक चिक ना, इनो कॉकटेल का एक चिक हमने असिस्ट हैच करके बचाया था और वो माशाल्लाह इधर फिर भी रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो भी उसी रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आज सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि मैं ना बॉक्सेस आपको बताया कि दिन में दो तीन दफ़ा ना रेगुलर चेकअप करता रहता हूँ, जिक्स भी हों एग्स भी हों ना, तो ऐसे ही मैं सुबह आया हूँ एवरी में। तो एज अ रूटीन चेकअप ना मैंने ये बॉक्स चेक किया। अभी इस बॉक्स में चार अंडे इसके अपने पड़े हैं, दो अंडे ना इनो के, इसके हमने ना फोस्टर किए हुए हैं इधर। तो जब मैंने ना इसको बॉक्स को ओपन किया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी फीमेल बैठी है, ये बाहर निकल जाए तो ये निकल गई बाहर, फिर एक अंडा है यही वाला, ठीक है। ये देखें तो इसमें ये चिक है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ ये सीन हुआ क्या है। ये रात ना कहीं ये अंडा टूटा है इसका थोड़ा सा शेल, और चिक से ना बाहर नहीं निकल हुआ, चिक अंदर ही ड्राई हो रहा है, मेम्ब्रेन उसकी ड्राई हो चुकी है जिसमें चिक रैप होता है। सुबह मैंने आते ही देखा है, उसके बाद मैंने ग्रुप्स में मैसेज किया है, मुझे किसी ने कहा कि आप वेट कर लें अभी असिस्ट हैच ना करवाएं, और किसी ने कहा कि दो तीन घंटे तक करवा दें। एक भाई ने मुझे कहा कि आप ना मुझे असिस्ट हैच करवा के इसको फीड करवा दें अभी। तो फीड वाला सिस्टम थोड़ा मुश्किल है, छोटा चिक है, लेकिन सबसे पहली बात ये थी ये जो एग इस कंडीशन में है, मुझे नहीं पता ये रात किस टाइम इस कंडीशन में आया है और क्या वजह बनी है इसकी। अब पता नहीं कितना टाइम हो गया, अभी मुझे आया है एम एस सर का मैसेज, हमारा बहुत फेमस सीनियर्स का ग्रुप है, मैं उसमें जूनियर हूँ सबसे जो मुझे पता है। मैसेज के अकॉर्डिंग हमें इस बच्चे को करवाना पड़ना है असिस्ट हैच। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि वही बात है, बच्चा अंदर से ड्राई हो गया है, उसकी मूवमेंट बहुत कम है, ठीक है। तो एज अ चांस ही हम इसका रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इधर पड़ा पड़ा भी ये अल्लाह ना करे एक्सपायर ही होगा, तो क्यों ना हम इसको असिस्ट हैच करवा लें। असिस्ट हैचिंग के लिए सामान इधर ले आया हूँ, काटन बर्ड है, टिशू है, थोड़ा सा पानी है, और इसको हम असिस्ट हैच करके पेरेंट के नीचे ही दोबारा वापस रख देंगे। तो अब पेरेंट इसको फीड भी करवाएं, वो भी एक अलहदा इशू है। तो अभी फ़िलहाल इसको करवाते हैं जी हम असिस्ट हैच, और आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ असिस्ट हैच का। वीडियो में आगे बढ़ने से लेकर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जिन व्यूअर ने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, थैंक यू सो मच। अभी करते हैं जी इसको असिस्ट हैच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इशू ना विद टाइम हर बंदे के साथ आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको बताने वाला नहीं है कोई, आपको पता नहीं है इन चीज़ों का, तो फिर वही हाल होता है जो मेरे साथ अक्सर होता है जब मुझे पता नहीं होता। जैसे मुझे इस चीज़ का पता नहीं था तो अहमद सर ने मुझे बताया है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो चुकी है, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन का तो मुझे सुबह भी लग रहा था कि मेम्ब्रेन जो है ना वो वाकई ही ड्राई हो चुकी है। तो अब ये अभी आपको पिप की साउंड भी इसकी सुन रही होगी, ठीक है। तो ये देखें जी, वो उसको थोड़ा सा वेट किया है मैंने मेम्ब्रेन को, और बर्ड के साथ ही ना साउंड वगैरह हर चीज़ क्लियर होने लग गई है। और यही बात है, ये देखें जी मेम्ब्रेन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है जी। इनो रेड आई का चिक है,
माशाल्लाह इसके जो पेरेंट्स हैं ना वो दोबारा ब्रीडिंग पे आ गए हैं, और ये चिक हमने फोस्टर कर दिए थे। चिक तो हमने निकाल लिया है, लेकिन ये चिक है अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज में। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या बनता है, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो या ये शायद एक दो दिन हमने ना अर्ली हैच करवा लिया है इसको, तो अभी इसको पेरेंट के नीचे रख देते हैं, देखेंगे क्या बनता है इसका। तो चिक को पेरेंट के नीचे दोबारा रखने के बाद जब मैंने कुछ देर बाद आके देखा तो चिक एक्सपायर हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि चिक को देखने से लग रहा था कि इसको एक दो दिन पहले हमने अर्ली हैच करवा लिया है, और इस यही इसके एक्सपायर होने का रीज़न था। तो मैं अब आपको बता दूँ कि अगर हम अर्ली हैच ना भी करवाते तो फिर भी ये चिक ने एक्सपायर हो जाना था, जिस तरह से शेल टूटा था और बर्ड अंदर फंसा हुआ था मेम्ब्रेन ड्राई होने की वजह से, चिक ने उधर उस कंडीशन में भी एक्सपायर हो जाना था। इस तरीके से कुछ चांस था, लेकिन ये भी ठीक नहीं रहा।